हेलो एंड वेलकम टू क्रेविंग्स कॉल। पर्युषण पर्व चल रहे हैं और पर्युषण पर्व पे मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी, दाल मखनी। पर्युषण पर्व में ज़्यादातर जेंट्स सब्जियाँ नहीं खाते और सिर्फ दाल खाते हैं, तो चलिए बनाइए दाल मखनी जो बहुत इजी है और बहुत ही टेस्टी है। तो सबसे पहले मैंने एक कप साबुत उड़द और डेढ़ बड़ा चम्मच राजमा गरम पानी में डालकर 4 से 5 घंटे भिगो दिए थे और उसके बाद मैंने उसको कुकर में डालकर नमक और हल्दी के साथ बॉईल कर लिया है। ये देखिए, हाथ से अगर आप देखते हैं तो दाल बिल्कुल अच्छे से गल गई है। अब एक पैन या कढ़ाई लेते हैं और उसमें डालते हैं 2 चम्मच घी। जब ये गर्म हो जाए तो इसमें डालिए 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसे थोड़ा सा पका के इसमें हम दाल डाल लेते हैं। चलिए, इसमें अब हमने दाल को डाल दिया है। अगर यहाँ आप कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रंग आता है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं और इसे चम्मच से ऐसे थोड़ा थोड़ा दबा लीजिए। देखिए, पानी डाल के इसे पकने देंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच आमचूर पाउडर। देखिए, यहाँ हमने टमाटर का प्रयोग नहीं करा है ना प्याज का, पर्युषण पर्व में हम वही नॉर्मल दाल खाते खाते बोर हो जाते हैं, तो थोड़े से चेंज के लिए दाल मखनी बहुत ही स्वादी, बहुत ही अच्छी लगती है। अब देखिए, हमें दाल को थोड़ी देर पकने देना है। जब दाल अच्छे से उबल जाएगी, देखिए बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे और हल्का हल्का हाथ से दबाते रहेंगे। अब ये अच्छे से उबल चुकी है तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच मलाई, फ्रेश मलाई, 1 लीजिए। इसे मिक्स कर लेते हैं। अब एक बार और इसे हम उबलने देंगे। ये देखिए, बस कुछ देर इसे पकने दीजिए मंदी आंच पर और उसके बाद हम गैस बंद कर लेंगे। तो बस बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन दाल मखनी पर्युषण पर्व के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे एक बोल में निकाल लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं बिल्कुल फ्रेश क्रीम से, फ्रेश मलाई से। ये लीजिए, इसे आप चावल के साथ या चपाती के साथ, पराठे के साथ परोसिए और एंजॉय कीजिए पर्युषण पर्व में ये स्पेशल दाल मखनी।